हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी चैप्टर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.1 की। मैंने पिछले वीडियो में आपको नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन बता दिया था। अब इस आज की वीडियो में मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ। एनसीईआरटी को मैं यहाँ पे फॉलो करूँगा और एक्सरसाइज 1.1 आज मैं इसकी कम्प्लीट कराता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि क्लियर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इज जीरो अ रेशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट क्लियर करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा कह रहा है क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? तो यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो के इंट्रोडक्शन में बताया था कि जीरो हमारा रेशनल नंबर होता है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके अगर सोल्यूशन में लिखूँ, यस जीरो इज अ रेशनल नंबर। अब इसके सेकंड पार्ट में आते हैं, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू? तो ये भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि जीरो को हम लोग पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। वो कैसे, चलिए देखते हैं। सिंपली जीरो है, इसको अगर मैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखूं तो इसका ऐसे लिख सकता हूं, जीरो अपॉन वन, 0.2 भी लिख सकता हूँ और 0.3 भी लिख सकता हूँ। मैं और भी तरीके से 0.4 भी लिख सकता हूँ। मैं जो चाहे अपनी मर्जी से उसके नीचे डिनोमिनेटर में लगा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इसको डिवाइड देने के बाद हमारा आंसर जीरो ही आएगा। तो इसमें कोई कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं है। आप इंट्रोडक्शन में भी एक बार जाके देख सकते हैं, तो उसमें मैंने इसको क्लियर किया था। तो जीरो को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमारा जो थर्ड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन कहती है वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स बट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। चलिए देखते हैं, अगर मैं सिर्फ इस वाले को लूँ 0.1 को, तो इसमें हमें क्या दिखता है कि इसको कंपेयर करूँ तो यहाँ पे p मुझे मिलेगा 0, q मुझे मिलेगा 1 और 0 और 1 हम जानते हैं 0 और 1 दोनों इंटीजर्स हैं। ये दोनों इंटीजर्स है, बोथ आर इंटीजर्स, बोथ आर इंटीजर्स। साथ में यहाँ पे एक कंडीशन और तीसरी कंडीशन भी हमने फॉलो कर दी, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। आप देख सकते हैं तीनों में डेनोमिनेटर जीरो नहीं है, न्यूमरेटर जीरो है। तो हमने तीनों कंडीशन सिचुएशन, पहली सिचुएशन, सेकंड और थर्ड, तीनों सिचुएशन को हमने फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे सेकंड क्वेश्चन क्लियरली दिख रहा है, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। इसमें हमें 3 और 4 इन दोनों नंबर्स के बीच में 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। हमारे मन में पहला क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे 3 और 4 के बीच में तो कोई नंबर ही नहीं है, तो हम लोग कहाँ से 6 रेशनल नंबर्स को फाइंड करेंगे? तो चलिए देखते हैं। इसका सिंपल सा मेथड, बहुत ईजी है, आपको पहली बार में ही क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमें 6 अगर फाइंड करना है, हमें फोकस करना है कि हमें कितने फाइंड करने हैं। अगर हमें 6 फाइंड करना है तो उससे हम लोग प्लस, उसमें प्लस 1 करेंगे और उसका दोनों नंबर्स में मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। जैसे कि हमें 6 फाइंड करना है तो 6 से एक बड़ा नंबर लीजिए, 6 + 1 = 7 होता है, और उसका मल्टीप्लाई 3 और 4 में कर दीजिए। 3 और 4 दोनों में मल्टीप्लाई भी करिए, साथ में डिवाइड भी करिए। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे कि मैं लूँ 3 × 7 / 7, नंबर हमारे पास 3 था, हम लोगों ने 7 लिया 6 के ऐड करने के बाद, 3 × 7 = 21 / 7। अब इसको डिवाइड मत करिएगा अभी, ठीक है। वैसे हम लोग 4 के साथ भी करेंगे, पहले 4 लिखेंगे, उसके साथ हम लोग 7 का मल्टीप्लाई करेंगे और 7 का डिवाइड, फिर उसके बाद 4 × 7 = 28 / 7। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि अब 21 / 7 और 28 / 7 के बीच में क्लियरली हमें 6 नंबर्स दिखाई दे देंगे। कैसे? अगर मैं लूँ 21 / 7 हम नहीं ले सकते क्योंकि बिटवीन की बात हुई है, ठीक है। तो 21 के बाद 22 / 7, 23 / 7, 24 / 7, 25 / 7, 26 / 7 and 27 / 7। इसमें आप एक चीज गौर करिएगा कि हमने 21 / 7 और 28 / 7 को नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे बिटवीन की बात हुई थी। बिटवीन मतलब दोनों के बीच में, हम लोग यहाँ पे इन दोनों को नहीं, इसको नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर सेकंड क्लियर होगा।
सिंपली इसमें ट्रिक लगी थी, जो जितने जितने फाइंड करने उससे एक ज़्यादा का मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है उन दोनों नंबर्स पे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। आपका थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने एकदम क्लियर है। फाइंड फाइव रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। ये बिल्कुल लगभग क्वेश्चन नंबर 2 से काफ़ी सिमिलर है, बस इसमें ये है कि यहाँ पे एक फ्रैक्शन हमें गिवन है, एक फ्रैक्शन वहाँ पे सिंपली हम एक नंबर्स दे रखे थे। तो चलिए देखते हैं इसमें हम लोग क्या करेंगे। हम लोग इसमें वही पुरानी वाली ट्रिक लगाएंगे, पुरानी वाली ट्रिक। सबसे पहले देखें क्या कितने फाइंड करने हैं हमें, यहाँ पे 5 फाइंड करने हैं। तो हम लोग 5 से एक ज़्यादा या उससे हम लोग, जैसे कि 5+1 6 होता है, आपको बस 5 से एक बड़ा नंबर लेना है। वो 6 भी हो सकता है, वो 7 भी हो सकता है, वो आपको 8 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और उस नंबर का इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड होना चाहिए। चलिए देखते हैं इसको करके थोड़ा। मैं यहाँ पे इसको कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं 3/5 लेता हूँ जो आपके सामने क्लियर है। इसमें 5 फाइंड करने, तो उसमें 6 और मल्टीप्लाई और 6 का डिवाइड, एक नंबर ज़्यादा। 5 का करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ऊपर भी 6 का मल्टीप्लाई, नीचे भी 3 6 18, 5 6 30। अब इसको आप कैंसिल मत करिएगा किसी नंबर से, सोचेंगे कि 2 से कैंसिल कर दे रहे हैं, 3 से कैंसिल, इस तरह से भी मत करिएगा। 4/5 को ले लीजिए, उसमें 6 का मल्टीप्लाई ऊपर न्यूमरेटर में भी और डेनोमिनेटर में भी, 4 6 24, 5 6 30, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें फाइंड करेंगे जो हमारे रेशनल नंबर्स थे। कैसे हम लोग ले लेते हैं 18/30 के बीच में, 18/30 और 24/30 के बीच में लेने हैं, तो आई थिंक 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। जैसे कि आपकी स्क्रीन के सामने क्लियर है, हमें 5 रेशनल नंबर्स मिल गए हैं, हमें 5 फाइंड करने थे, 5 ही 5 मिल गए। इसमें हम लोगों ने 18/30 और 24/30 को इसलिए नहीं रखा क्योंकि बिटवीन हमें क्वेश्चन में दे रखा, हमें बीच में फाइंड करने थे, ठीक है। अब चलिए मैं इसका एक सेकेंड एग्जाम्पल एज ए ले रहा हूँ कि अगर हम लोग यहाँ पे 6 का यूज़ नहीं करते, मैंने बोला था 5 से बड़ी नंबर का यूज़ करना है, चलिए इस बार मैं 6 का यूज़ ना करके मैं किसी और नंबर का यूज़ करता जो 5 से बड़ा हो, देखते उसमें क्या होगा। तो मैं यहाँ पे इस बार ले लेता हूँ 8 का नंबर ले लेता हूँ, जैसे कि 3/5 तो वही रहेगा जो क्वेश्चन में गिवन है। इस बार मैं 8 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ऊपर भी न्यूमरेटर में भी और डेनोमिनेटर में। 3 8 24, 5 8 40, हमें से कैंसिल मत करना अभी आप। वैसे ही 4/5 के साथ भी कुछ ऐसे ही करेंगे, 4 8 और 5 8, 4 8 32, 5 8 40। अब हमें इनके बीच में नंबर्स फाइंड करने हैं, चलिए फाइंड करते हैं। 25/40, 26/40, 28/40, 29/40, 30/40, 31/40। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें हमारे पास रेशनल नंबर्स जितने फाइंड करने तो उससे ज़्यादा आ गए, लेकिन आपको अगर 5 गिवन हो तो आप 5 फाइंड कर लीजिए, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं है। आपका ये भी सही है और ये भी सही है, तो इसमें उतने कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4th पे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। ये जो ट्रिक है ना, ये ट्रिक तभी फॉलो होगी जब हमारे गिवन नंबर्स के डेनोमिनेटर सेम हो। अगर हमारे पास सेम नहीं होंगे ना, तो हमें उसे एलसीएम लेना पड़ेगा। उसका एलसीएम लेंगे, डेनोमिनेटर को सेम करेंगे, फिर हम इस ट्रिक को इजीली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4th आपकी स्क्रीन के सामने बिल्कुल क्लियर है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस। हमारे पास 3 स्टेटमेंट दे रखी है, हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, और साथ में हमें इनका रीजन भी देना है। चलिए पहला स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन देखा हो पिछली वीडियो का, तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। फर्स्ट का आंसर यस, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, हम लोग कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, ये ट्रू है क्यों इसका। अब इसका रीजन भी देखते हैं। अगर मैं होल नंबर लिखूं, ये पहले नेचुरल नंबर लिखूं मैं पहले यहाँ पे, मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो में आपको बताया था नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं, तो वो हमारे होते हैं 1, 2, 3, 4, इन्फिनिटी तक।
और होल नंबर को हम लोग कैपिटल W से डिनोट करते हैं, और इसको लिखते हैं हम लोग 0, 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी तक। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर इस होल नंबर में आ रहे हैं, सारे 1, 2, 3, 4 से इन्फिनिटी, 1, 2, 3, 4 से इन्फिनिटी। तो यस, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब आते हम लोग सेकेंड स्टेटमेंट पे। सेकेंड स्टेटमेंट जो है हमारा वो कहता है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब इसको समझते हैं, ये हमारा पहले इंटीजर्स में साइड में ले लेता हूँ। इंटीजर्स हमारे होते थे 0, ±1, ±2, ±3 इन्फिनिटी, यही होते थे हमारे, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था। और होल नंबर जो हमारे होते थे वो हमारे ऊपर ही लिखे हैं 0, 1, 2, 3, 4 से इन्फिनिटी। तो इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं इंटीजर्स में माइनस के नंबर्स भी आ रहे हैं लेकिन वो होल नंबर्स में नहीं आ रहे, तो इसलिए यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है हमारी, ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है इसी वजह से। आई होप आपको ये दोनों स्टेटमेंट क्लियर हो गए होंगे। अब लास्ट स्टेटमेंट है हमारा एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। चलिए इसकी तरफ थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं होल नंबर्स की, जो हमने यहाँ पे लिख रखा है 0, 1, 2, 3, 4 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। रेशनल नंबर हमारे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। जरा हम लोग रेशनल नंबर पे नज़र डालें तो वो होते हैं हमारे पी अपॉन क्यू की फॉर्म। इसके कुछ एग्जांपल्स 1/2, 2/3, 4/5 इस तरह से करके हमारे चलते हैं। लेकिन हम लोग बात करें सारे, हाँ ये बात अलग है कि हमारे 1, 2 भी हमारे ये रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि इनके नीचे अगर 1 लगा दो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन होल नंबर में एक भी फ्रैक्शन नहीं आता है। तो इसी सिचुएशन की वजह से यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाती है, क्योंकि रेशनल नंबर में फ्रैक्शन भी आ सकते हैं और सिंपल नंबर्स भी आ सकते हैं, जीरो भी आ सकते हैं, लेकिन होल नंबर में सिर्फ जीरो और बाकी सारे नंबर्स, फ्रैक्शन कभी नहीं आते, तो इसलिए हमारी थर्ड स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाती है। तो यहाँ पे हमने तीनों के रीज़न दे दिए हैं कि किस लिए ये सब पॉसिबल हुआ है, ट्रू फॉल्स जो भी है। ठीक है, आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर होगा। अगर आपको क्लियर नहीं है तो एक बार आप मेरी पिछली वीडियो जो इंट्रोडक्शन है एक बार उसको देखिएगा, तब आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज 1.1 NCERT की कंप्लीट कर दी है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको अगली वीडियो में ज़रूर दूंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।